हेलो एवरी वन टूडे वी डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल दैट वॉज ए पीरियोडिक टेबल पीछे हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में दो पीरियडिक टेबल्स के बारे में पढ़ा था डोबरनियर ट्रायड्स और न्यूलैंड ऑफ ऑक्टिव आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं वो है मैंडलीव प्रोडिक टेबल देखो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेस है बेस वही है इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास ठीक है लेकिन इसने जो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द दूलेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही आगे एक्सटेंड किया एट द टाइम ऑफ मैंडलीव 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने का टारगेट था मैंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि आज जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न टेबल जिसको हम बोल रहे हैं वो इसी का बड़ा और विस्तृत रूप है यानी कि ये जो मैंडलीव टेबल है ये उसका बेस है अगर ये टेबल नहीं बना होता तो हमारे लिए आज मॉडर्न टेबल को पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी और 63 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना था कि हम उनको आसानी से समझ सकें और क्लासीफाई कर सकें वैसे ये मैंडलीव टेबल जिसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता था वो लॉ था

बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है कई बार क्वेश्चन इसके ड्रॉबैक्स को लेकर आ जाता है और कई बार इसके एडवांटेजेस को लेकर आता है तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस को कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है देखो एडवांटेजेस कहते हैं कि ये भी हमारा जो है ये टैबुलर फॉर्म में बनाया हुआ टेबल है टैबुलर फॉर्म यानी ये टेबल की फॉर्म में ही बना हुआ टेबल है जिसमें पर्टिकुलरली कॉलम्स बने होते हैं अब कॉलम्स को इस दो भागों में बांटा कुछ एक वर्टिकल कॉलम बनाए जिनको नाम दिया गया ग्रुप्स का वर्टिकल कॉलम बनाए गए जो ऊपर से नीचे पढ़े जाते हैं उनको नाम दिया गया ग्रुप्स का कुछ एक हॉरिजोंटल कॉलम बनाए कुछ एक हॉरिजोंटल जो लेफ्ट से राइट right जाते हैं उनको नाम दिया गया पीरियड्स का

तो इन्होंने भी इसी न्यूलैंड ऑक्टेव के ऑक्टेव नियम को ही फॉलो किया बट कुछ एक चीजें ऐसी हो गई इस समय तक कि जैसे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होने लग जाए तो बीच में जगह बीच में जगह इन्होंने बनाने शुरू कर दी हो सकता है फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाए उस एलिमेंट डिस्कवर होने पर नए एलिमेंट के लिए जगह कहां बने हो सकता है उसका एटॉमिक मास इन बिटवीन हो जाए तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया ही लेफ्ट सम स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट जो नया एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर होगा उसके लिए पहले से ही जगह इन्होंने रख दी और उसको एक नाम दिया नाम दिया इका इका मतलब सिमिलर टू प्रीवियस वन तो इका नाम दिया गया प्रिसीडिंग एलिमेंट्स को यानी कि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट को जो आगे आएंगे उन एलिमेंट्स को जैसे बोरोन इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन इस तरीके से उनको नाम दिया गया तो ये नाम किस बेसिस पे दिया गया ये नाम इस बेसिस पे दिया गया कि जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है जैसे सपोज बोरोन के बाद एलिमेंट एल्युमिनियम आता है तो इका बोरोन बोरोन की जैसी सिमिलरिटी वाला इका एल्यूमिनियम इका एल्यूमिनियम का नाम जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम है गैलियम तो इक्का एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हैं तो उस वक्त तक तो नाम नहीं सजेस्ट हुआ था नाम नहीं डिस्कवर हुआ था तो उन्होंने नाम रखा इक्का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जैसा कुछ है तो उसका नाम बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम तो गैलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटीज हैं इसलिए इक्का शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने ही जैसे एक नए एलिमेंट की जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसकी प्रेजेंस को वहां पर दिखाया मैंडलीफ टेबल फ्यूचर एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता था कि यानी कि फ्यूचर में कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो टेबल में ज्यादा चेंज ना करने पड़े कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहां से अप डाउन करके हम टेबल को आसानी से समझ भी सकते ये टेबल जो आपको हम ड्रॉन करके दिखाएंगे वो टेबल बेसिकली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म पर जुड़ा हुआ है यानी कि हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्मूले और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले और ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के जो फॉर्मूले हैं ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं बेटा ये डिपेंड कर रहे हैं हमारी वैलेंसीज पर अब एलिमेंट कैसे जुड़ते हैं एक बार देखते हैं हम ड्रॉ करके मैंडलीफ टेबल को कि एलिमेंट कैसे बनेंगे देखो बेटा जैसे इसके अंदर हमने इक्का एल्यूमिनियम इक्का जो है बोरोन की इक्का सिलिकॉन की हमने बात की कि भाई कुछ जो प्रीवियसली एलिमेंट पहले से डिस्कवर हैं उनके बाद उन जैसी सिमिलैरिटी वाले एलिमेंट अगर फ्यूचर में डिस्कवर होते हैं तो हम उनको पहले किस नाम से पहचाने इसलिए हमने इक्का शब्द का इस्तेमाल किया मतलब नेक्स्ट टू अगले का ठीक है तो उसमें एक बात और मैंडलीफ के टेबल में बहुत ही फोर्सफुली कही गई कि जिस वक्त तक मैंडलीफ टेबल बन रहा था उस वक्त नोबल गैसेस की डिस्कवरी भी शुरू हो गई थी लेकिन मैंडलीफ ने क्या किया मैंडलीफ ने अपने टेबुलर फॉर्म को डिस्टर्ब किए बिना यानी अपने ग्रुप्स और अपने पीरियड्स को डिस्टर्ब किए बिना एक नया यानी एक्सट्रीम राइट में एक नया ग्रुप रखा जो सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस के लिए था और उसको नाम दिया उन्होंने जीरो ग्रुप तो जीरो ग्रुप को उन्होंने जो है वो नोबल गैसेस का ग्रुप कहा अब ये जीरो क्यों रखा क्योंकि जैसे नोबल गैसेस की वैलेंसी जीरो होती है तो उन्होंने कहा कि देवर अनरिएक्टिव ऑल आर अनरिएक्टिव दैट्स वाई वी कॉल दिस ग्रुप एज जीरो ग्रुप तो ये एक यूजफुलनेस है एक मेरिट है एक एडवांटेजेस है हमारे लिए मैंडलिव टेबल का ताकि जिसको हम आज के मॉडर्न टेबल में ग्रुप नंबर 18 से पहचानते हैं अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट्स की डीमेरिट्स का मतलब कुछ कमियां भी रही इस टेबल में जिनको ठीक करने की कोशिश मॉडर्न टेबल में की गई तो वो कमियां क्या रही पहली कमी रही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिजाम्बलेंस देखो हमने पहले भी कहा था कि हाइड्रोजन यहां पर सबसे पहली पोजिशन पर आता है तो हाइड्रोजन की पोजिशन जो है वो अनसर्टेन है हाइड्रोजन को या तो एल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए यानी कि जो सोडियम है लिथियम है उनके साथ या फिर इसकी हलोजन के साथ पोजीशन होनी चाहिए तो ये जो अनोमल पोजीशन हाइड्रोजन की है कि ना वो इसके साथ कभी वो इसके साथ प्रॉपर्टीज इन दोनों में सिमिलैरिटी ले रहता है तो किसके साथ प्लेस करे तो ये जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है ये अभी तक बनी हुई है कि हाइड्रोजन एक्चुअल में किस जैसा है हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के कारण इन दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है इस कारण से उसकी अनोमलस पोजिशन रहेगी उसके बाद पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स अब जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए वैसे वैसे उनके आइसोटॉप्स भी हमें मालूम चलते चले गए आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट अब देखो जैसे हाइड्रोजन है इनका सबका एटॉमिक नंबर वन 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 है लेकिन सबका एटॉमिक मास वन टू थ्री ये तीन हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं ऐसे ही कार्बन के भी आइसोटॉप हैं नाइट्रोजन के भी आइसोटॉप हैं ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप हैं तो आइसोटॉप्स को क्या उसी कॉलम में रखना है जिसमें एलिमेंट है या फिर उसके लिए नया कॉलम बनाना है या इस टेबल को एक्सटेंड करना है या यहां पर हम इनकी प्रॉपर्टीज को मतलब महत्व देंगे या फिर प्रेफरेंस देंगे ये सारी बातें किसी आइसोटॉप के लिए अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि आइसोटॉप्स के साथ करना क्या है कहां इनको रखना है किसके साथ इसको पढ़ना है एलिमेंट के साथ रहेंगे या प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको अलग रखना है तो यह भी एक प्रॉपर डिमेरिट कही जाएगी मैंडलीव की बेटा ये डिमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट बनता है चाहे आप वो एन से लगा लीजिए चाहे वो बोर्ड क्लासेस से लगा लीजिए रिसेंट ईयर्स में इसमें से एक क्वेश्चन तीन नंबर में जरूर पूछा जा रहा है और ये मेडलिफ टेबल मॉडर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी और मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो सभी बच्चों को इस पर जरूर फोकस करना है कि हमें एडवांटेजेस भी आए अच्छे से और हमें डिमेरिट्स भी मालूम हो हमारी थर्ड डिमेरिट है अनोमलस पोजिशन ऑफ सम पेयर्स ऑफ एलिमेंट सम पेयर्स की बात की जा रही है जैसे ट्राइड ने कुछ पेयर्स बनाए अकॉर्डिंग टू हिम क्या था कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका एटोमिक मास बाकी दो का एवरेज तो इन्होंने भी कुछ पेयर्स बनाए थे लेकिन उन पेयर्स की अनोमल पोजिशन रही अनोमलस पोजिशन का मतलब कुछ ना कुछ वहां पर कमियां रही या तो उनके ऑटोमिक मास में रेगुलरिटी होगी या उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग ट्रेंड में रखा गया होगा अलग अलग ग्रुप में रखा गया होगा तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात रही बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑटोमिक मास कि अगर हम इस बात को फॉलो करते हैं मैंडलीफ में कि हम जो टेबल बना रहे हैं उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को ही बेस बनाना है तो ये क्या है देखिए जैसे कोबाल्ट कोबाल्ट और निकल निकल है कोबाल्ट के बाद निकल को रखा गया लेकिन जब हमने इसके एटॉमिक मास की स्टडी की तो पॉइंट टू पॉइंट टू की हमें यहां पर इरेगुलरिटी और एरर मिला कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है इसका एटॉमिक मास कम है इसका एटॉमिक मास ज्यादा है ऐसे ही अगर हम आर्गन पोटेशियम की बात करें हालांकि आर्गन उस वक्त तो डिस्कवर नहीं हुई थी लेकिन अगर बात करते हैं तो आर्गन को पोटेशियम के बाद आना चाहिए जबकि आर्गन पोटेशियम से पहले आता है और दोनों के मास में भी इरेगुलरिटी है कि मास आर्गन का ज्यादा है पोटेशियम का कम फिर भी इनकी पोजीशन जो है वो अनोमलस है तो और देखते हैं फोर्थ पॉइंट चलिए फोर्थ डिमेरिट के बारे में बात करते हैं फोर्थ डिमेरिट कहती है नो रिजलेंस इन द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप कि जब एक ही ग्रुप में है तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए चाहे वो प्रॉपर्टीज में हो चाहे किसी बात में हो लेकिन मैंडलीफ टेबल में एक ही ग्रुप में रखे हुए कुछ एलिमेंट्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं लेकिन फिर भी उनको एक ग्रुप में प्लेस किया है हमारे मैंडलीफ में जो ग्रुप है वो ऐसे बने हुए हैं ए का ए और आई का बी मतलब एक ही ग्रुप को हमने दो पार्ट्स में सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो मैंडलिफ टेबल में आप देख पाएंगे तो अगर ए पार्ट में जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम लिखा हुआ है तो कह रहे हैं कि इसी ग्रुप ये एक सिमिलर एक ही ग्रुप है इसी ग्रुप में कॉपर सिल्वर और गोल्ड को भी प्लेस किया हुआ है बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर ये पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो इनमें आग लग जाती है लेकिन ये जो मेटल है इनको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है क्वाइनेज मेटल्स जिनका इस्तेमाल हम गहने या फिर सिक्के बनाने में करते हैं ये ज्वेलरीज प्रिपरेशन में भी काम आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम है और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन फिर भी मैंडलीफ ने इसको एक ही इनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस मैंडलीफ टेबल का ऐसे बहुत सारे जो पेयर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया है ऐसे ही हमारा फिफ्थ जो डिमेरिट है वो कहता है अनसर्टेनिटी बहुत अच्छी बात है नया एलिमेंट डिस्कवर होता है इन फ्यूचर क्या पता कितने हो जाए तो एक प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है इट्स वेरी गुड लेकिन ये अनसर्टेन है कि जो नया एलिमेंट आ रहा है वो किस तरीके से अरेंज किया जाए हो सकता है एक भी एलिमेंट ना आ पाए किसी के पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बीच में या हो सकता है इतने ज्यादा आ जाए जिनमेंट वन पॉइंट वन का डिफरेंस हो कैसे होगा देखो क्योंकि एटॉमिक क्योंकि ये ये पूरा टेबल किस पर बेस्ड बेस्ड है ये है एटॉमिक मास पर एटॉमिक मास पर बेस्ड है तो एटॉमिक मास ही हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी यहां पर और उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहली बात ये जानिएगा आप एटॉमिक मास कभी भी रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता रेगुलर इंक्रीज का मतलब है कि अगर पॉइंट अगर टू है तो टू के बाद फोर फोर के बाद सिक्स सिक्स के बाद एट ऐसे इंक्रीज नहीं होता मे बी इट इंक्रीज बाय पॉइंट वन पॉइंट जीरो फाइव इतने इतने छोटे छोटे स्टेप्स में भी ये इंक्रीज हो सकता है जरूरी नहीं है कि जैसे कार्बन का ट्वेल्व है नाइट्रोजन का फोर्टीन है तो यहां से यहां तक इंक्रीज होने में टू यूनिट का टाइम लगा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट एलिमेंट हो उसमें भी टू यूनिट का टाइम लगे हालांकि है यहां पर कई केसेस में ऐसा नहीं है ठीक है क्या होता है देखते हैं कह रहे हैं मास इन फ्रैक्शन। अब देखो सपोज 12 से 14 मैंने दो एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए एक 12 एटोमिक मास पे है एक चौदह मास पे हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसा अटोमिक मास डिस्कवर हो जाए जो कहीं इन बिटवीन आता हो 13.2 13.3 कहीं पर भी आता हो तो मैं यहां पर कितने स्पेस छोडू कितना कितनी जगह छोडू क्या पता कितने एलिमेंट हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है एटॉमिक मास में भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में होता है किसी किसी का होल नंबर में होता है तो फ्रैक्शन अगर 12 से मैं 14 के बीच की बात करूं तो मेरे पास फ्रैक्शन कहां से स्टार्ट होंगे 12.1 से 13.9 तक इतने लंबे चौड़े फ्रैक्शन में तो पता नहीं कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते आपको मैंने कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल दिया था ये 58 था, ये 58.7 था 58.9 देखिए फ्रैक्शन में है पॉइंट टू में डिफरेंस है हो सकता है यहां पॉइंट टू में डिफरेंस हो सो इट इज पॉसिबल दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड टू इन बिटवीन दीज अटोमिक तो ये अनसर्टेन है कि अभी हम यहां पर किस प्रकार से एलिमेंट्स की डिस्कवरी को फोकस करेंगे और उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे बेटा ये डीमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको प्लीज बड़ा ध्यान से समझिएगा इन डीमेरिट्स के बाद हमें एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ भी हो टोमिक मास हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि अटोमिक मास में वेरिएशन बहुत आ रही है हो सकता है आने वाले पीरियोडिक टेबल में जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्योर किया गया हो और कुछ और हमारे लिए नि निकाला हो हमें मिला हो और हम इन डिमेरिट्स को क्योर कर पाए इनसे कुछ सीख पाए तो बेटा ये मैंड टेबल है आप इसको अच्छे से डाउन करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे